हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग हैं मगध बजाज सगुना मोड़ खगौल रोड पटना में, और ये हमारे सामने है द ऑल न्यू बजाज N160 जो कि E20 पेट्रोल के साथ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, लॉन्च हो गया है। देख सकते हैं अब ये 20% एथनॉल के साथ भी ये जो बाइक है वो अब चल सकती है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी प्राइस क्या रहने वाली है, इसमें कौन कौन सा वेरियंट आ जाते हैं, क्या माइलेज रहने वाला है इसका। तो चलिए सबसे पहले हम फ्रंट से शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। और जल्द ही N150 के ऊपर भी वीडियो आने वाला है और कंपेरिजन वीडियो भी करेंगे 160 और N150 का भी। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। फ्रंट से दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ की सबसे पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। इसमें कोई भी वेब की डिज़ाइनिंग नहीं मिलती है, नॉर्मल जो की आता है वो हमें इसमें देखने को मिल जाता है। तो चलिए मैं आपको इसको दिखा देता हूँ ऑन करके कि इसका फ्रंट का DRLs कैसा है। फ्रंट से मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ देख सकते हैं जो LED DRLs है इसमें देखने को मिल जाती है, थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मर टाइप के इसमें डिज़ाइन हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रोजेक्टर हेडलाइट हमें देखने को मिल जाता है। बाइक फंक्शनल है इसमें LED दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, ये देख सकते हैं ये हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके एग्जॉस्ट की नोट आपको सुना दूँ तो ये देख सकते हैं ये अभी आइडल में अंडर वेली एग्जॉस्ट है, आइडल में ये आप अभी साउंड सुन रहे हैं। थोड़ी सा मैं इसको रेव करता हूँ, जो साउंड निकल के आ रही है वो काफ़ी बेसी है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं इसमें और भी आपको चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है वो फ्लेक्सिबल इंडिकेटर हमें देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अदर यहाँ देख सकते हैं जो विंडशील्ड वाइजर, इस पर कोई भी हमें देखने को नहीं मिलता है। आफ्टर मार्केट आप इसमें इंस्टॉल करवा सकते हैं। सामने में यहाँ लाइसेंस प्लेट की जगह, वही इधर हम देखें तो यहाँ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन हमें देखने को मिल जाता है रिफ्लेक्टर के साथ। यहाँ देख सकते हैं डुअल पार्ट में जो है वो मडगार्ड हमें देखने को मिल जाता है, ये भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है जो कि टूटने से बचाता है। यहाँ ABS डुअल चैनल ABS की जो बैजिंग है वो हमें इस बाइक में देखने को मिल जाती है। नीचे वही हम देखें तो इसमें 300 mm का जो डिस्क आगे में हमें देखने को मिल जाता है जो कि ABS के साथ आता है। ग्रीमा का इसमें ब्रेकिंग सिस्टम हमें देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। यहाँ काफ़ी फ्लेक्सिबल जो है वो मडगार्ड हमें इसमें देखने को मिल जाता है। 164.82 का जो है सिंगल सिलेंडर इसमें हमें देखने को मिल जाता है। एयर कूल इंजन है ये, कोई भी ऑयल कूल का सिस्टम नहीं। यहाँ फिंग्स देख सकते हैं इसकी, 5-speed सिंगल सिलेंडर इसमें इंजन जो है वो हमें मिल जाता है। यहाँ देख सकते हैं जो फुटपैक्स है राइडर के लिए, यहाँ पैडल है वो हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। और वही देखें तो यहाँ पास पिलियन का जो फुटपैक्स है वो हमें देखने को मिल जाता है। ये देख सकते हैं अंडर बेली एग्जॉस्ट हमें यहाँ देखने को मिल जाता है, और रेड कलर का यहाँ सिंगल शॉक ऑब्जर्वर हमें देखने को मिल जाता है, और ये आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं पीछे से जो मडगार्ड वो यहाँ नज़र आता है, जो कि पीछे से बरसात के सीज़नों में हमें देखने को मिल जाती है, काफ़ी धूल मिट्टी वगैरह से आपको बचा देगा। और पीछे टायर की साइज़ की बात करें तो 130/17/17 सेक्शन की टायर जो साइज़ है वो हमें इसमें देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी वाइडर टायर इसमें हमें देखने को मिल जाता है। ग्रिप काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करेगा ये आपको। डुअल चैनल ABS मैंने आपको दिखाई दिया, यहाँ पास देखने को मिल जाता है। और इसकी अगर डिस्क की साइज़ की बात करें तो 230 mm का हमें डिस्क यहाँ पास देखने को मिल जाता है। वही यहाँ देखें तो N160 की जो रेड कलर में जो बैजिंग है वो हमें देखने को मिल जाती है। डुअल स्प्लिट सीट का ऑप्शन इसमें हमें मिलता है ताकि जो बाइक की लुक को इन्हेंस कर सके, और राइडर और पिलियन के लिए दोनों के लिए बैठने की काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ राइडर जो है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ से बैठता है, थोड़ा एग्रेसिव पोजिशनिंग इसमें हमें देखने को मिल जाती है। पीछे में जो पिलियन है उसको भी बैठने के लिए काफ़ी मतलब जगह अच्छा से दिया हुआ है। यह दो पार्ट में जो ग्रैब हैंडल हमें देखने को यहाँ पास मिल जाता है। पीछे की अगर बात करें तो एक्स शेप में यहाँ पास हमें बैकलाइट जो LED में है वो हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। यहाँ पास टर्न सिग्नल्स ये भी फ्लेक्सिबल है, काफ़ी अच्छा मतलब इसको माना जाता है। बाइक अगर आपकी गिरती है तो टूटने से बच जाता है। यहाँ पास लाइसेंस प्लेट की जो जगह है वो रिफ्लेक्टर, नीचे में लाइसेंस प्लेट के नीचे ये लाइटिंग है वो रात में आपको लाइसेंस प्लेट ईजिली विजिबल हो जाए, इसलिए ये दिया गया है। फिर वहीं अगर हम इसमें साइड में बात करें तो यहाँ सारी गार्ड का भी ऑप्शन हमें इसमें मिल जाता है, और ये इंस्टॉल हो करके ही कंपनी की तरफ से आता है।
चैन जो है वो इसमें ओपन देखने को मिल जाता है। काफ़ी मतलब शानदार लुक इसका प्रेजेंट होता है, आप देख सकते हैं। लुक्स है इसके मामले में, मतलब इस बाइक की कोई इस सेगमेंट में 160 और 150 के सेगमेंट में कोई तोड़ नहीं है। काफ़ी देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत मतलब डिज़ाइनिंग इसकी रखी गई है। यहाँ देख सकते हैं इसमें आपको 5-स्पीड गेयरबॉक्स जो है वो मिल जाता है सिंगल लीवर के साथ। यहाँ देख सकते हैं जो इंजन की साइज़ है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट सा रखा गया है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ देख सकते हैं जो मडगार्ड की प्लेसमेंट है नीचे इंजन के नीचे, ये भी काफ़ी अच्छा मतलब बनाया गया है। और ग्राउंड क्लियरेंस की इसमें अगर हम बात करें तो 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस हमें इसमें देखने को मिल जाता है। डुअल स्टैंड भी हमें इसमें मिल जाता है, सिंगल स्टैंड जो है वो सेंसर के साथ आता है, इंजन कट ऑफ के सेंसर के साथ मिल जाता है। इसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। यहाँ देख सकते हैं इंजन का जो डिपर ऑन ऑफ करने का, यहाँ पास पासिंग की स्विचेस, यहाँ इंडिकेटर, यहाँ हॉर्न के स्विचेस हमें सिंगल हॉर्न मिल जाता है। ग्रिप जो है वो काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कर रहा है मतलब कि, और ये बैलेंसिंग आपका साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ क्लच की प्लेसमेंट, ये मिरर आपका यहाँ देखने को मिल जाता है। और जो हैंडल है शॉर्ट ऑफ स्ट्रेट हैंडल भी नहीं है, इसको नहीं बोलेंगे, ये काफ़ी एग्रेसिव पोजिशनिंग के साथ इस पर आप राइड कर सकते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल राइड ये आपको मिलेगा इस बाइक से। यहाँ देख सकते हैं डबल कैलिपर्स दिया हुआ हैंडल के ऊपर। यहाँ देख सकते हैं इंजन किल स्विच की जो बटन है वो मिल जाती है यहाँ पास। इस बाइक में एक ऑप्शन और भी है, यहाँ देख सकते हैं हेडलाइट की भी स्विच हमें इसमें देखने को मिल जाती है। बेसिकली जो BS6 इंजन जब से आया BS4, तब से आपको हेडलाइट ऑटोमेटिकली दिन में भी ऑन रहता है, तो इस बाइक में आप ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ सेल्फ की जो स्विच है। और इसमें एक और बजाज जो है वो काफ़ी प्रीमियम मतलब देखने में लगता है बजाज देता है, जो ये इल्यूमिनेशन लाइट इसमें है, जब आप इंजन ऑन करिएगा तो इसमें लाइटिंग जो है वो जलने लगती है। तो ये इसमें आपको छोटा सा जो है वो डिजिटल के साथ एनालॉग भी देखने को मिल जाता है। ये हो गया आपका RPM मीटर, इधर में आप देख सकते हैं बैटरी जनमान फंक्शन, और यहाँ हेडलाइट टर्न इंडिकेटर की सिग्नल, RPM लाइट हो गया, ABS हो गया, न्यूट्रल की जो लाइट है वो हमें इसमें देखने को, काफ़ी इंफॉर्मेशन जो बाइक से रिलेटेड है वो देखने को मिल जाती है। गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर यहाँ पास हमें देखने को मिल जाता है। और वही हम इधर बात करें तो मोड से आप यहाँ पास देख सकते हैं ऑडोमीटर की जो सेटिंग है वो कर सकते हैं। इसमें आपको रियल टाइम माइलेज के साथ जो डिस्टेंस एम्प्टी वगैरह है वो भी शो कर देता है। यहाँ पास आपको जो फ्यूल की कैपेसिटी है वो यहाँ दिखा देती है। तो मतलब कि ये काफ़ी अच्छा फीचर जो है वो बजाज की तरफ से हमें देखने को मिल जाता है। मतलब कि अगर बात करें तो इस सेगमेंट में सबसे अच्छी जो बाइक है, अगर मेरे तरफ से अगर माने तो यही वो बाइक है N160, जो कि काफ़ी आपको अच्छा लुक प्रोवाइड करता है और अच्छी राइडिंग के साथ अच्छा माइलेज भी आपको ये निकाल करके दे देता है। और प्राइस इसका क्या है, 1,58,033 रुपये ऑन रोड प्राइस ये आपको पटना बिहार में जो मिल जाता है। और स्क्रीन के ऊपर आपको जो फ्लैश करता हुआ मैसेज, इसका एड्रेस नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अगर इस बाइक से रिलेटेड चाहिए हो तो आप ले सकते हैं, कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।